तो हे गाइस, वेलकम बैक। आपका स्वागत है नए व्लॉग या वीडियो जो भी बोल लो भाई, क्योंकि आज हम नहलाने वाले हैं मारुति को। और ये देखो कितनी कोने में जाके बैठा है, अभी यहाँ से दिखाता हूँ मैं। ये रूम है ठीक है, इतनी कोने में जाके बैठा है क्यों? क्योंकि भाई इसे नहाना पसंद नहीं है। अभी देखना इसके ड्रामे, तो भाई ये सब होने वाले वीडियो में, हो सकता है काट भी ले, तो भाई मौत का खेल होने वाला आज। तो ये देखो, चले आ जाओ, चलो। नहाना नहीं है? नहीं नहाना? नहीं आंसर को है? देख लो भाई ऐसे कर रहा है ये, तो अब इसको इस बाथरूम में ले जाना बहुत बड़ा टास्क है। तो अब देखते हैं हम ले जा पाते हैं नहीं, लेकिन हम ले ही जाएंगे, क्योंकि यार बदमाश गैंग क्यों है भाई, बदमाश है भाई। हम किससे नहीं डरते भाई, काट दे मार दे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो कैसे इसको खींच के ले जाता हूँ। अभी चुपचाप तो आएगा नहीं, मैं काट उठाऊँगा ऐसे। ये देख लो, इतनी उठाने के बाद भी ये मतलब कितना गैप है, उसके बाद भी ये ऐसे खड़ा है। चल आ जाओ, इसे पता है कि नीचे आ गया तो फिर ये बाथरूम की ओर ले जाएगा। भाई डरता है क्या करे। ओ जल्दी जल्दी आ जा, चलो नीचे चलो, आ जाओ आ जा। देखो ये देखो कैसे घुरा रहा है ना, ये देखो 2 हफ्ते हो गए गंदी दे नहीं ना। आ जा जल्दी जल्दी आ, नहीं तो बेटा खाट पलट दूंगा। ले डंडा, चलो ले डंडा। ये देखो कितना चालू है, देखो फिर यहीं बैठ गया, मतलब इसे पता है कि खाट से उतर गया तो इसे ले जल्दी आ, नीचे ले ले नीचे ले ले ले, इसके मुंह में ही देता हूँ ये डंडा ना। ये देखो इसने अब नीचे आ गया, ये देखो ये आ गया नीचे, अब डंडा पकड़ रहा है, जानबूझ के छोड़ेगा कि मैं अटैक कर दूँ इस पर अगर ये ज़्यादा वो करे तो। ये देख लो इसका ड्रायर भी पड़ा है, दरी भी है, नहीं क्या दिक्कत है। देखो भैया वहीं चल दिया, इसको पता है ना, जल्दी जल्दी आ जा ले जल्दी आ जा। देख ले ये ऐसे हो जाए कुत्ते, ये बोलते ना प्यार है बहन, साड़ के मारूँगा अभी डंडी मुँह पे। ले डंडी ले और नीचे आ जा, चले चले नहीं। ये देख लो चलो, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो कैसे भागा, ये देखो ये देखो नई जगह पकड़ ली इनने, नहीं इसका आज मोर बनेगा। ये देखो इसके मुंह में ना डंडी दे रखता हूँ ताकि ये मेरे को काट ना पाए, क्योंकि भाई कुत्तों का कुछ भरोसा नहीं है। चलो चलो चल चल, ओए नीचे नीचे नहीं, नीचे क्या करने जा रहा है, ले पकड़। हाँ चलो तुम ये देखना चालू कितना, ये देखो कमरे में नहीं जाएगा ये। हाँ चल चल चल, ले ले ये देखो दोबारा वहाँ बैठ गया, चल जा अच्छा ले चल जा ले ले एंडी इसकी शक्ल देखो बस ये देखो। तो भाई अगर तुम ये सोचते हो कि कोई कुत्ता पाल लोगे और वो तुम्हारी सारी बातें मानेगा, ये बिल्कुल गलत है। इसको देखो, ये देखो एकदम लक्ष्मण रेखा बना रखी है इसने कि इसके आगे नहीं आएगा। इसको बता अगर इसके आगे आ गया तो इसका बिहेवियर बिल्कुल वो हो जाएगा, एकदम चुपचाप इनोसेंट। तो क्या करे बताओ, फोर्स कर नहीं सकते। ये देखो देखना अभी, चला जा आ जा, क्या एक्टिंग कर रहा है। तो देखो मैं कैसे लाऊंगा इसको अंदर, तुम देखते जाओ ठीक है। अभी यहाँ तक आ गया, आ जा जल्दी जल्दी आओ अंदर, आ जाओ जल्दी जल्दी। तो भाई मैं अपने लिए बैठने के लिए भी पटरी लाया हूँ ठीक है, अभी यहाँ पे बैठ चुका है। मैं इसे गले में पट्टा बांधा, अगर इसी से आया तो आया, नहीं तो नहीं आया। ये देखो कितना टाइट खींचना पड़ रहा है। अच्छा तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ गया बस। अब ये बिल्कुल बिल्कुल शेर से चूहा बन चुका है, अब कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। अब देखो मैं कैसे नहलाता हूँ इसको। ये देखो पहले इसका ड्रामा वहाँ पर था, अब यहाँ पर आ गया एकदम
बाथरूम के कोने में, लेकिन कोई बात नहीं अभी देखते रहो। अब देखो ये ना कोने में, इसको मैं देखो मैं कैसे लाऊंगा। अब ये देखो इसको पानी पसंद नहीं है ना, ये देखो जल्दी आ जल्दी आ जा जल्दी आ जल्दी जल्दी आ जल्दी आ जा। बदमाशी नहीं, सिस्टम हैंग कर दूंगा तेरा, समझ गया? हाड़े गंदा हो रहा है ना, शर्म ना कुछ। अब देखो अब ये चूहा बन चुका है, अब इसको कोई मेरे से गिला सिकवा कुछ नहीं है, अभी मेरा चेला बन चुका है, अब मेरी बात सुनेगा, क्योंकि इसको पता है कि अगर नहीं सुनेगा तो पानी में पूरा भिगा दूंगा तेरे को मेरी गुल्ली। अभी थोड़ा मैं निवाया पानी करा, अब इसको नॉर्मल कर लूँ मैं। तो भाई ये हो चुका है नॉर्मल, अब मैं क्या करूँगा ना धीरे धीरे इसका जो पूरी बॉडी है, अब जो पेट वाले हैं वो भी भाई देख सकते हो, और अपने कुछ बंदे ना पता है मैंने देखा है देसी कुत्तों को भी ना नहलाते हैं, तो भाई उसके लिए भी है। पहले भाई डायरेक्ट एकदम शैम्पू वैम्पू कुछ मत लगाया करो, ठीक है? पहले इसके पूरे बाल जो है ना, और अगर देसी कुत्ता है तो उसके बाल नहीं होते डायरेक्ट भाई, जब तक उसकी खाल पूरी भीग ना जाए ना पानी से भाई, उसके पहले शैम्पू मत अप्लाई करना, नहीं तो वहाँ पर इन्फेक्शन का डर बना रहता है। इसके भी हो गया था थोड़े दिन पहले, मेरे को उन्होंने प्रॉपर तरीका सिखाया जो ग्रूमिंग वाले होते हैं उन्होंने। तो भाई पहले इसको गीला करेंगे, फिर लगाएंगे शैम्पू, और फिर देखना इसमें कैसे करंट आता है एकदम से। ये देखो अब इसकी शक्ल देखो, शक्ल दिखा, ये देखो अब तो हो गया शांत हो गया। ओ काट रहा है, सॉरी है, सिस्टम हैंग कर दूंगा। चलो अब इसको थोड़ा भिगा लेता हूँ, उसके बाद तुम्हें शैम्पू लगाते हुए दिखाता हूँ, क्योंकि मैं वीडियो को टाइम पास में ही निकालना चाहता। तो भाई अब ये पूरा भीग चुका है, ठीक है? अब मैं लगाऊंगा इसके शैम्पू, और आपको कुछ चीज़ें ही बताऊंगा डॉग से रिलेटेड भी। तो भाई स्टार्ट करता हूँ पहले भाई इसके इंट्रो से, ये कैसे आया, ठीक है? तो भाई मैं तो अपने भाई को ये बोलता था यार पहले ना कि देसी कुत्ता ही बढ़िया है, लेकिन यार फिर उसको पसंद थे ब्रीड वाले। अब देसी कुत्ता तो मम्मी लाना ही नहीं देती थी बिल्कुल भी, कि मतलब भाई कोई कोई कुत्ता ही लाना। अब मेरा भाई जिद्दी था, एक बार उसके दोस्त ने कही यार मेरे पे गोल्डन रिट्रीवर है 2 महीने का, तो भाई तेरे को चाहिए तो बता, मेरे से यार उसकी केयर नहीं हो रही, ठीक है? तो उस बंदे ने ये बोला। अब मेरे भाई को लगा वो भाई साहब ब्रीड है, वो तो ब्रीड लवर है, वो डॉग लवर नहीं है, वो ब्रीड लवर है, ठीक है? तो फिर मैंने बोला यार गोल्डन रिट्रीवर है, इसका खर्चा बहुत आता है भाई, बहुत बीमार पड़ते हैं, स्किन इन्फेक्शन की भी इनको बहुत खतरा होता है। लेकिन वो फिर माना नहीं, वो उसको ले आया, क्योंकि लंबी स्टोरी वैसे बता दूंगा, अभी ये थोड़ा ये नहाने का ब्लॉग है इस वजह से, ठीक है? तो भाई इसको मैंने ऐसे बोला कि यार ये मतलब कुत्ते यार बड़े बीमार पड़ते हैं, लेकिन वो ले आया, ठीक है? फिर मम्मी ने भी मना नहीं कर पाई, क्योंकि ये ले ही आया था इतनी दूर से भी गुड़गांव से, इनकी इतनी केयर करनी पड़ती है ना, इससे ये लगता है कि देसी कुत्तों को यार भगवान ने ऐसी ज़िंदगी क्यों दी है, मतलब कि कुछ तो फ़र्क हुआ है ना, जब इनको इतना केयर की जाती है, पैसे में लोग खरीदने को रेडी, उनको नॉर्मल भी अडॉप्ट करने को तैयार नहीं है। भाई ये चीज़ यार थोड़ी खटकती है, लेकिन कोई बात नहीं, अपना भाई जब चलेगा राज तब भाई देसी पालेंगे, तुम टेंशन मत लो, ठीक है? और भाई इनकी शैम्पू के लिए बता देता हूँ भाई, और डॉग लवर है वो तो देख ही रहे होंगे जिसके पास पैट है। भाई शैम्पू का नाम है कोनासेब, CONASEB, ठीक है? वेटनरी शैम्पू है, स्किन इन्फेक्शन के लिए यूज़ होता है, क्योंकि इसको अभी स्किन का इन्फेक्शन है थोड़ा बहुत इस साइड बैक साइड, तो इसलिए भाई मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ अभी। अभी मैं टिक शैम्पू यूज़ कर रहा था, वो बेकार चला। तो भाई अब देखो कैसे चूहा बन के बैठा हुआ है, देख रहे हो? यही होता है भाई, अब इसके ऐसे करनी पड़ती है मालिश, ठीक है? शैम्पू लगाने के बाद मतलब अंदर तक शैम्पू जाए, ताकि कभी इन्फेक्शन ना फैले। और एक चीज़ और तुम नोटिस करना, इसको जैसे खड़ा करूँगा ना, खड़ा जैसे खड़ा करूँगा ना, इसको वैसे खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके बाल है, इसका शरीर ना पूरा भारी हो जाता है, तो ये मतलब हिलने लायक बसता नहीं है, इसलिए तो ये नहाने से डरता है ना, ये मूव ही नहीं कर पाता। मतलब कुछ कुत्ते होते हैं ना इनको वो पानी नहीं पसंद होता, तो उनमें से एक ये है सुअर कहीं का, आड़ा कैसा गोल्डन रिट्रीवर है। अब शक्ल देखो इसकी, कितना पतला लग रहा होगा तुम्हें, दिख रहा होगा एंगल से, भले मेरा सर कट जाए कोई बात नहीं, तुम्हें दिख रहा होगा क्योंकि इसने मेरा सर छुपा रखा है। देखो शैम्पू लगाओ, ठीक है? पानी में मिक्स करके डायरेक्ट कभी अप्लाई मत करना, एक बाल्टी ले लो छोटी सी जैसे ये मैंने ले रखी है, इसके अंदर शैम्पू डालो। ये भाई साहब वो नहीं करते जूस बनाने वाले, ऐसे करो, उसके बाद ये, फिर उसके
पीछे पीछड़ागढ़ भाई, हर जगह शैम्पू अप्लाई करो अच्छे से। और अप्लाई करने के बाद हटाना भी होता है, नहीं हटाओगे तो भी इन्फेक्शन है, ठीक है। शैम्पू लगाओगे ढंग से, नहीं तो भी इन्फेक्शन है। तो भाई इन्फेक्शन इन्फेक्शन है अगर तुम बाल वाले कुत्ते की केयर नहीं करोगे। हाँ जल्दी देखो, पानी गिरते आता है, गुस्सा तो होता है बीच में। ओके तो यार, अगर तुम्हें कोई चीज़ पसंद नहीं है और तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती कर रहा है, क्या होगा? गुस्सा करेगा। अब इसके साथ भी ये हो रहा है, अब इसको शैम्पू लगा दिया, अब शैम्पू को ऐसे अच्छे अच्छे से उतारो, ठीक है, ऐसे करके। ऐसे नहीं पल जाते भाई कुत्ते, केयर करनी पड़ती है। तुम सोच रहे हो ना ला के रख दोगे, बस भाई उसका तो हो गया काम। जब भी तुम स्किन इन्फेक्शन हो जाते हैं, फिर ज़्यादा बढ़ जाते हैं, फिर तुम एंड में वही कहानी छोड़ के आते हो, क्या फ़ायदा? तो भाई आज के लिए आई होप आपको ज्ञान अच्छा लगा होगा। अब इसका शैम्पू उतार दूँ, उसके बाद दिखाता हूँ ये कैसे शरारत करता है। अरे नहा लिया है, ऐसे कर, कर ऐसे ऐसे कर, देख रहे हो? बोलते कुत्ता ही समझता, क्यों नहीं समझता? और अब इसके तौलिया है, इसके तीन टॉवल है भाई साहब, तीन, विश्वास नहीं करोगे तुम। यही बोल रहा हूँ भाई, सोच समझ के पालो, अगर केयर कर सकोगे तो पालो, नहीं तो कहीं और को हालो, बिकॉज तुम्हारे लिए नहीं है भाई कुत्ते। मैं, मेरे को भी ये लगता था बहुत इजी है, नहीं भाई। जब बीमार होते हैं ना, और तुम भी तुम बिना बीमार के तुम्हारा बीमार जैसा मुँह हो जाता है। ये जो जिसके पास डोग है वो तुम्हें पता ही होगा, नहीं है उनके लिए भाई। जो सोच रहे हैं ना नया डोग लाओ, तो सोच लेना कि टाइम से इसकी दवाइयाँ, टाइम से मल्टीविटामिन, टाइम से डॉग फूड, टाइम से इसके चेकअप, सब कुछ करवाना पड़ेगा, ठीक है। और चीज़ों को इग्नोर नहीं करना पड़ेगा, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, एक दो दिन इग्नोर कर दिया, उल्टी करी आया, कोई नहीं नॉर्मल है यार, पेट ख़राब होगा। ना 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 बेटा, 24 घंटे हो गए तो लेके जाओ अच्छी जगह, एक जगह बात नहीं माननी, दूसरी जगह। नहीं तो 3 से 4 दिन में भाई फिर क्या बोलूँ, मर जाते भाई। कितने केस देख लिए यार हमने, वो भी बीमारी बड़ी होती है, लोग नॉर्मल मान लेते हैं कि उसे कुत्ते को कुछ नहीं हुआ तो हमारे को भी नहीं। भाई एक कम से कम चेकअप तो कराओ, अगर तुमने रिस्पॉन्सिबिलिटी पा लिया, जान तो इसके अंदर भी है। इसीलिए आप देखो, ये देखो, अरे मोटे लोगों पूरी एक्सरसाइज हो जाती है, ये पाल लो। जो मोटा है ना उसके लिए सही है कुत्ते, लेकिन ये नहीं, मोटा है तो भाई केयर नहीं करेगा, केयर करनी पड़ेगी, अपने आप पतला हो जाएगा। हैं, रगड़ दो रगड़ दो, रगड़ रो रगड़ा मारो मारो रगड़ा, सिस्टम हैंग सिस्टम हैंग सिस्टम हैंग सिस्टम हैंग सिस्टम हैंग। रुक जा और रुक, ये देखो, चल 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 चल, ये देखो अब ड्रामा स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो करंट लग गया, देखो ऊपर पंखा चलता है, नीचे मारुति नाश्ता है, सोते सोते भूख लगी, खा लो बेटा गू, गोबर का गू खिलाऊंगा अभी से, इनने मेरे को काटा है। हाँ कर 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 कर, अपने आप को सुखाने का ट्राई करते हैं, भले सूखता नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत तो इसमें पानी सूख ही जाता है। ये देखो, तो देखो अब इसको चुन्नी से करूँगा, क्योंकि भाई इसमें पानी छूट जाता है ना। इनफैक्ट डॉक्टर ने बोला इन्फेक्शन के फैलने के पूरे चांस हो जाते हैं, और अभी तो बल्कि इसके थोड़ा बहुत है भी इस साइड बैक साइड, ढूंगे के यहाँ पे इसके जो है ना बम्प ढूंगे उधर की साइड। अब चुन्नी से क्या होगा, जो मतलब अंदर तक है ना इसका पानी वो निकल जाएगा। वाटर का स्ट्रक इन द स्किन ब्रो, बिकॉज ही इज़ गोल्डन रिट्रीवर, दैट इज़ वाई यू नो व्हाट आई एम सेइंग ब्रो, यू नो व्हाट आई एम सेइंग ब्रो। हैं, ये देखो, आप देखो अब हो गया ना, थोड़ा बिहेवियर चेंज हो गया ना, नहाने के बाद खुश हो जाता है, लेकिन भाई जो नहाने का तो वो होता है ना, स्ट्रगल करना पड़ता है, कुत्तों की लाइफ में बहुत स्ट्रगल है। क्यों बेटा? हैं, खाना होता है दिन में 4 बार, हगना होता है, मूतना होता है, इससे ज़्यादा स्ट्रगल क्या होगा भाई साहब। हैं, टेंशन हो जाती है इसके, तो खाना अगर लेट हो जाए ना टेंशन हो जाएगी, कुछ चीज़ लेके कोने में बैठ जाएगा कि आज मिलेगा नहीं मिलेगा। यही तो है, ये सुअर है, सुअर सिस्टम हैंग कर दूंगा तेरा, सिस्टम हैंग।
अब देखो इसकी शक्ल है ना, शरारती हो जाएगा ये। अब अभी छत पे लेके चलूँ? चलो छत पे भी चलते हैं, अभी थोड़ी धूप है, जो थोड़ा बहुत होगा वो वहाँ पर सूख जाएगा। चल आ जा, चल 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 ऊपर ऊपर, ये देखो ऊपर ही भागेगा ये, देखो निकल लिया ना धूप में। ओ तेरी बहन, ओ रुक, गेहूँ है साढ़े, ओ तेरी बहन, रुक जा रुक रुक जा, मिर्च के ऊपर लेटने को तैयार है भाई साहब, देख लो मिर्च के ऊपर लेटने को तैयार है ये, देखो ये रही मिर्च। ले ले ले, हाँ खुदा ले खुदा, भी बड़ी मस्ती है इनके यार, ये देखो ये पसंद है इसे ना खेलने में। ले ले, उई सकल देखो सकल, उई उई जो 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 दे दे, ये देखो ले गया ना, लेकिन धूप तेज है ना इस वजह से शायद ये जाएगा, धूप तेज है इसका मतलब, नहीं नहीं इसको क्या मतलब है, ये देखो ये देखो देखो देखो, अरे हाय शकल देखो शकल, ये देखो ये देखो, हो गया ना चेंज बिहेवियर पूरा। अब इसको लग गई होगी भूख बड़ी कैडी, मौसम देखो आज का धूप वाला है, लेकिन कोई बात नहीं धूप भी रहनी चाहिए, अभी तो गर्मी आई नहीं है, 15 अक्टूबर आ गया गर्मी नहीं आई। ये सुबह के टाइम पे मौसम होता है ठंडा, ठीक है, और अब के टाइम पे हो जाता है ये मौसम गर्म, दिन के टाइम पे समझ नहीं आ रहा क्या सिस्टम है, क्या भाई छेड़खानी कर रहे हैं भाई ये जो बंदे हैं ना अपने दुनिया के, छेड़खानी कर रहे हैं भाई साहब, रुक जाओ नहीं तो भाई दिसंबर में भी गर्मी हो जाएगी और सर्दियां कभी आएगी नहीं। ग्लोबल वार्मिंग इज द कॉज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड दिस इज द वे आई एम और टॉकिंग इन विषय चलो खानी खाना है आ? ये देखो नहा धो के बन गया है ये बुढ़ा बाबा, अब देखो अब इसको बिहेवियर हो गए चेंज है, ख़त्म कर दूँगा तुझे, अब काट काट तेरी सिस्टम ऑन करूँ, काट तो नहीं है डराता है मुझे, अब नहीं जोर दिखाता है, जल्दी आ जाओ नीचे नीचे, अरे खाना खाएंगे इसको, मैं खाना खिलाऊँगा, बन गया खाना, खाना बन गया, हो रहा लंच तैयार। तो भाई ये देखो मारुति को, और यहाँ हो रहा है इसका लंच तैयार, ये देखो इसकी दही है और यहाँ से अभी चावल डालने हैं, दही और चावल खाता है ना दिन में लंच में। अब यार पहले इसकी बहुत गंदी डाइट थी, डेली रोटी अंडे रोटी अंडे खाता था, फिर डॉक्टर ने बोला चेंज कर दो नहीं तो भाई दिक्कत हो जाएगी इसको ना लॉन्ग टर्म में, तो इसलिए भाई चेंज कर दिया, बहुत है ना इतने चावल बहुत है यार, इसको सिस्टम हैंग कर देगा ये मेरा बेटा, रात को गला दबोच देगा ये अगर इसको इतने चावल दे दिए, फेवरेट डिश है इसकी। यहाँ पर खाना रखा ना यहीं आके बैठेगा, ये देखो ये देखो ये देखो जान पूछ के ना ये जब खाएगा तो मैं भूखूंगा, ये देखो इसी की प्लेट है स्पेशल, ये इसके दही चावल है, ये है ये, अभी देखना क्या करेगा, ये देखो ये दही डाली मैंने चावल पे, ठीक है अब देखो इसका खाना है ये, हैंड फीडिंग भी करवाता हूँ मैं कभी कभार में, क्योंकि उसको पता रहे कि ये हाथ है तात्या का बेटा, ये काटना नहीं है, देखो इसको इसको बताइए मेरे को खाने नहीं देगा, ये हैंड फीडिंग में ज़रूरी होता है भाई डॉग को, उसे पता होना चाहिए कि किसी भी सिचुएशन में तुम्हें नहीं काटना, तो इसको खिलाते हैं फिर सो जाएगा, यहीं पे करते हैं ब्लॉग एंड, ब्लॉग बोल लो जो ही बोल लो भाई, भाई रेगुलर भूत के ब्लॉग भी आने वाले हैं तो भाई सपोर्ट करो, ये तो खाता रहेगा, तुम भी खाओ मौज लो, बाय।